के से नहीं पढ़ाया जाता। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने विद्यालय की कक्षा 9 में, जहां पर हमारे कुछ साथी पढ़ रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं यहां पर किस तरीके की पढ़ाई होती है। आप बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां की पढ़ाई बहुत अच्छा है। यहां के शिक्षक बहुत अनुभवी हैं, जिसके कारण यहां इस तरह से पढ़ाई होती है कि मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी तरह पढ़ाई होती है। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बंटी राठौर। आमतौर पर स्कूल में इस तरह पढ़ाई होती है कि विद्यार्थी अलग से कोचिंग करने पड़ते हैं, पर इस स्कूल में इस तरह शिक्षक हमारे पढ़ाते हैं कि अलग से कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आप? मैं लकी कुमार हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ के शिक्षक इतने अच्छे से बच्चों को समझाते हैं कि वो अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ के शिक्षक इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते कि वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाए, इसलिए पढ़ाते कि वो देश का नाम उज्ज्वल करें। अभी मैं अपने विद्यालय के लाइब्रेरी में खड़ा हूँ, जहाँ पर सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि पुस्तकें स्टूडेंट की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। यहाँ पर हमारे सर हैं, जिससे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर किस किस तरह की पुस्तकें मौजूद हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों के अलावा काफी मनोरंजक किताबें भी हैं। इसके अलावा बच्चों से संबंधित डिक्शनरीज वगैरह भी हैं, जो अन्य अन्य भाषाओं की हैं। बच्चे आगे कम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ हासिल इससे कर सकें, उससे भी संबंधित यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं। बच्चे यहाँ से घर पर ले जाकर भी किताबों को पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के द्वारा यहाँ पर भी किताबें पढ़ी जाती हैं। बच्चों के हर प्रकार की किताबें यहाँ मौजूद हैं, जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके इन किताबों को पढ़ने के तत्पश्चात। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे स्कूल में अनेक तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। यह हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स रूम है, जहां पर हमारे सर मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और पूछते किस किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। हमारे विद्यालय में खेल कूद के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, इंडोर और आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स में फुटबॉल का बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पर फुटबॉल कराया जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी के साथ साथ टेनिस भी किया कराया जाता है, टेबल टेनिस यहाँ पर इंडोर गेम में, और कैरम बोर्ड, चेस के साथ साथ बैडमिंटन, क्रिकेट, सारा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यहाँ होती है, जहाँ एनुअल स्पोर्ट्स में भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते रहते हैं। हमारे स्कूल में एक बेहतरीन साइंस लैब भी है, जहां बच्चों को थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल की भी जानकारी दी जाती है। यह हमारा केमिस्ट्री लैब है और हमारे साथ सर भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और ये पूछते हैं कि वो कैसे बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी बातें थ्योरी से नहीं दी जा सकती हैं, बच्चों को अगर करके दिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीख पाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। हमारे विद्यालय में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के अलग अलग लैब हैं, और यहाँ पर बच्चों को करके दिखाया जाता है, जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं और खुद भी करके देखते हैं तो वास्तविक ज्ञान उन्हें मिल पाता है। अभी मैं अपने विद्यालय के सबसे अहम हिस्से में हूँ, जहाँ से हमारा विद्यालय संचालित होता है। मेरे साथ हमारे प्रधानाचार्य हैं, जिनसे मैं यह पूछ रहा हूं कि आखिर वो इतने बड़े इस विद्यालय को इतने अच्छे तरीके से संचालित कैसे करते हैं। यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है। प्रायः राजकीय विद्यालय में इस समय में जो है समाज के सबसे निचले तबके जो बच्चे होते हैं, वही यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं। अब सरकारी सुविधा के लिए अथवा अध्ययन करने के लिए यहाँ जब आते हैं, तो हम लोग जितने भी शिक्षक हैं,
उन शिक्षकों के द्वारा उनको सही सही और उन्नति की ओर ले जाने के लिए हम लोग उनको शिक्षित करते हैं। यह विद्यालय दो पाली में चलता है, प्रातःकालीन पाली में उच्च माध्यमिक चलता है, जहां अलग से शिक्षक हैं वो लोग अपना पढ़ाते हैं। और रिजल्ट जो है, इस बार भी इस विद्यालय का रिजल्ट परीक्षा फल उत्तम हुआ है, करीब करीब 63% विद्यार्थी पास किए हैं। माध्यमिक स्तर का जो है वहाँ भी शिक्षक की कमी है, बहुत कमी है, फिर भी हम लोग अपना यत्न से प्रयत्न करके कोशिश करके मेहनत से बच्चे को अधिक से अधिक सफलता प्रदान करने के लिए कोशिश करते हैं।